दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने बताया है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसमें दोस्तों मैंने ढेर सारी चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें वो मिस हो गई थी, मैं उसको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें सेलेक्ट करना होता है आपको ग्रुप। तो अगर ग्रुप सिलेक्शन में आपने मिस कर दिया तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म अप्लाई करने के बावजूद भी, सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। उसमें क्या है दोस्तों, सपोज दैट आपने जो है ग्रुप वन का पेपर कंप्लीट किया है, दैट इज़ लीज डीड बनवाया हुआ है, या फिर आपने फैमिली से अपेंडिक्स थ्री लिया है, और आप अगर गलती से या फिर आपको नॉलेज नहीं है, तो उस केस में अगर आपने ग्रुप टू में अप्लाई कर दिया तो आप ग्रुप टू में ही कंसीडर किए जाएंगे, ग्रुप वन में नहीं। तो इसमें दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर आप ग्रुप टू में अप्लाई कर दिए हैं, पेपर आपका ग्रुप वन का है, तो आप सिलेक्ट ही ना हो। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ग्रुप वन का पेपर है तो ग्रुप वन में आप अप्लाई करें। एक नेक्स्ट दूसरा केस आता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पेपर है वो ग्रुप टू का है, आपने लैंड ऑफर किया है, आपके पास कोई लीज डीड नहीं है, या फिर फैमिली से आपके पास अपेंडिक्स थ्री नहीं मिला हुआ है, आपने थर्ड पार्टी से जो है अपेंडिक्स थ्री बनवाया हुआ है, फिर भी आपने ग्रुप वन में अप्लाई कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में भी दोस्तों में भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बट सिलेक्शन होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिए, इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका LOI जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों ग्रुप पे स्पेशल तौर से आप जो है इसको ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप वन का अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो ग्रुप वन में ही अप्लाई करें, अदरवाइज आप जो है ग्रुप वन का डॉक्यूमेंट्स लेने के बावजूद भी आप एलिजिबल नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए। और ग्रुप टू का है तो ग्रुप टू में ही अप्लाई कीजिएगा, ग्रुप वन में अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखा गया है दोस्तों कि कुछ लोगों ने जो है ग्रुप वन और ग्रुप टू में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ना समझ में आए तो किसी एक्सपर्ट से मिलके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दूसरा है दोस्तों कि लैंड का, लैंड में क्या है दोस्तों, अगर आपने जो लोकेशन आपको दी गई है, अगर उस लोकेशन प्रॉपर लोकेशन पे आपका जो है लैंड नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे तीन बार से चार बार से एडवर्टीजमेंट निकल ली बट प्रॉपर लैंड, सुटेबल लैंड ना मिलने की वजह से वहाँ पे आज तक वहाँ का एलोकेशन नहीं हो पाया है, कोई भी पेट्रोल पंप ओपन नहीं हो पाया है। इसमें एक चीज़ देखा गया है कि दोस्तों अगर किसी रोड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है और आपने ज़मीन राइट हैंड साइड पे दे दिया तो भी आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर जब आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम भी आपका वो लैंड जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप जो है आपको वो पेट्रोल पंप अलॉट नहीं होगा। तो जैसा उन्होंने एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप कोशिश कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही थोड़ा सा आगे पीछे करके ज़मीन आपको मिल जाए, बट राइट हैंड साइड पे मत लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, किसी किसी साइड्स पे ऐसा होता है कि उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि राइट हैंड साइड पे चाहिए तो राइट हैंड साइड पे दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे किया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे दीजिए, बट किसी किसी केस में ऐसा है कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि किसी भी साइड पे हो सकता है, बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस केस में आप जो है चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको लैंड मिल रही तो वहाँ पे ले लीजिए, या फिर राइट हैंड साइड पे मिल रही तो वहाँ पे ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक कोई पर्टिकुलर लैंड का पीस जो है या एक पर्टिकुलर जो आपकी ज़मीन है वो किसी दो लोगों के नाम पे लीज नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि ढेर सारे बोनर ये सोचते हैं कि मैं एक ही ज़मीन दो लोगों को लीज करवा दूं, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ये मान के चलिए कि दो के दोनों एप्लीकेंट्स का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो लैंड जो है किसी के काम का नहीं होगा, और कोई भी जो भी उस लैंड को लिया हुआ है उसको वो पेट्रोल पंप
अलॉट नहीं होगा। तो जब आप लीज करवाएं तो ओनर से एक चीज कंफर्म कर लें कि ये मेरे अलावा किसी और को मत दीजिए, अदरवाइज ना तो मुझे अलॉटमेंट होगा और ना ही आपने जिसको दिया है उसको। तो ये चीज आप दोस्तों देख लीजिएगा। और कुछ चीजें ऐसा है कि जब आप दोस्तों फॉर्म भरते हैं तो एक अंडरटेकिंग करना होता है एप्लीकेंट के द्वारा, तो उसमें ढेर सारे आपने देखे होंगे कि क्लॉज लिखे हुए हैं। तो वो क्लॉज दोस्तों सिर्फ यही है कि आपका फॉर्म कहाँ से रिजेक्ट होगा और कैसे रिजेक्ट होगा। तो उस क्लॉज को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट्स। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सारी चीजें इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए में, आई एम अवेयर दैट एलिजिबिलिटी फॉर रिटेल आउटलेट डीलरशिप विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन एबव। जो भी आपका रिटेल आउटलेट का डीलरशिप का एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है उसमें कुछ आपके जो है एलिजिबिलिटी हैं अप्लीकेंट्स के, जो आपको जो है देखने को मिलेगा जब आप इसका एडवर्टीजमेंट का गाइडलाइन जो आया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो आप जो है एक चीज़ का ध्यान रखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अगर फुलफिल नहीं करेंगे इस केस में भी आपका रिटेल आउटलेट का जो डीलरशिप होने वाला है वो भी मिस हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, इफ इट इज फाउंड दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी, मतलब आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, जो बी पे लिखा हुआ, आई एम ऑल्सो कन्फर्म दैट आई एम द पोजिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाई मी, मतलब कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करते समय वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सिलेक्शन के टाइम सबमिट करना पड़ेगा। अगर उस टाइम आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो इस कंडीशन में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो है जो रियल टाइम होगा वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से इसमें दोस्तों ढेर सारे क्लॉज हैं। ये क्लॉज जो भी आप देख रहे हैं अंडरटेकिंग, ये सिर्फ आपका एक इंफॉर्मेशन है, एक इंटीमेशन है कि इन सब चीज़ों को अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा सकता है एलवाई मिलने के बाद भी, और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, एलवाई भी मिल जाए, लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल जाए और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी मिल जाए, उसके बाद भी आपका फॉर्म आपका वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्लॉज को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप इसको अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें बताइए, इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।